गाइस 10 जनवरी 2023 यानी कि आज फायरबोल्ट की ड्रीम स्मार्ट वॉच लॉन्च। सॉरी मतलब ड्रीम रिस्ट फोन लॉन्च हो चुका है जिसका प्राइस फायरबोल्ट में रखा है 5999। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को ये वॉच खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए और इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को इस वॉच के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वॉच में आप लोगों को मिल जाता है 4G नैनो सिम लगाने का ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप लोग इससे बिना अपने मोबाइल के भी कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फीचर एप्पल और सैमसंग में तो पहले से ही है। तो गाइस सबसे पहली बात कि एप्पल और सैमसंग में आप लोगों को इस प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाले हैं वो फीचर। 6000 के अंदर आप लोगों को ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि आप लोगों को उसमें ई सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस फोन के अंदर आप लोग डायरेक्ट अपनी सिम लगा सकते हैं, वो भी नैनो सिम। अब सब फोन्स में नैनो सिम ही लगती हैं, तो वो आप लोग डायरेक्ट अपनी वॉच में लगा सकते हैं और डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। और गाइस अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस वॉच को अगर हम लोग पहनेंगे तो पानी वानी लगने से ये खराब तो नहीं हो जाएगी। तो गाइस ये बिल्कुल खराब नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को इस वॉच में मिल जाता है IP67 वाटर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की वॉच आप चाहे बारिश में पहने चाहे आप इसे डुबा के यूज करें, 1 मीटर की गहराई तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप लोग इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज मिल जाती है आप लोगों को इस वॉच में। ऐसे प्राइस रेंज में आप लोगों को ये सारे फीचर्स नहीं मिलने वाले और सबसे बड़ी बात आप लोग इसमें सिम लगा सकते हैं। और गाइस इसके फीचर्स के बारे में तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि फायरबोल्ट क्लेम कर रहा है कि अब ये आप लोगों के नए फोन्स को रिप्लेस करने जा रहा है। मतलब आप लोगों को ये बल्कि फोन्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इस स्मार्ट वॉच की मदद से सारे काम कर सकते हैं जो आप लोग एक मोबाइल फोन पे करते हैं, बस फोटो खींचने के अलावा। और गाइस इस वॉच के अंदर आप लोगों को मिल जाती है 2GB रैम और 16GB तक की स्टोरेज, जिसमें आप लोग अपने सॉन्ग्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें प्ले स्टोर भी मिलता है, तो वहां से जो ऐप आपको चाहिए आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग किसी भी सोशल मीडिया ऐप को इस पे यूज कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो आप चाहे आप इस वॉच पर यूज कर सकते हैं। और गाइस आप लोगों को इसमें गूगल मैप खोल के आप लोग अपनी लोकेशन देख सकते हैं, आप लोग जहां जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मतलब आप लोग इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हैं जो आप लोग एक मोबाइल में करते हैं, मतलब ज्यादातर चीजें ही आप लोग इसमें कर सकते हैं बस पबजी खेलने के अलावा। और गाइस इस वॉच के अंदर आप लोग जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, ओला बुक कर सकते हैं, उबर बुक कर सकते हैं, मतलब जो भी बुकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेटीएम डाउनलोड करके आप लोग इससे पैसे वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस इससे आप लोग डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आप लोग इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वॉच के अंदर ये सारे फीचर्स मिलना बहुत बड़ी बात है। और गाइस जैसा कि और यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि 2024 मोबाइल्स का जमाना नहीं है। इस समय सभी कंपनी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे कि VR ग्लासेस जिसमें आप लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, सब काम आप उसी से कर सकते हैं, बस आप लोगों को जैसे चश्मे की तरह नॉर्मल ग्लास पहनना है। और गाइस जैसे कि ये वाली वॉच, तो गाइस अब फायरबोल्ट ने अपना रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है। इस टाइप की वॉच काफी कंपेटेबल रहती है और आप लोग आराम से कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, सिर्फ ही आपके हाथ में बंदी रहेगी और सब कुछ आप इस पे कर सकते हैं। और गाइस मोबाइल में आप लोग अपनी हेल्थ ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे, हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वॉच की मदद से आप लोग अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वॉच में आप लोगों को सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप लोग अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप लोग अपनी वॉच को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और गाइस इस रिस्ट फोन में आप लोगों को 800mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है, जो कि आप लोगों को 36 आवर तक बैटरी बैकअप दे देगा, जिसमें आप लोग कॉलिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। और अगर आप हैवी यूज करेंगे तो आराम से 16 आवर्स तक ये वॉच आप बैटरी बैकअप दे देगी। और गाइस इस वॉच की वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए आप लोगों को मिल जाता है इसमें कॉर्टेक्स क्वाड कोर प्रोसेसर, जिससे वॉच एकदम स्मूथ वर्क करेगी, ऐसा इसकी कंपनी क्लेम करती है, फायरबोल्ट, मैं नहीं कह रहा हूं। और गाइस इस वॉच के अंदर आप लोगों को गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप लोग जो भी कहेंगे वो सब बातें ये वॉच सुनेगी और वो काम करेगी। और गाइस इस वॉच के अंदर आप लोगों को मिल जाता है फायरबोल्ट का खुद का डेडिकेटेड AI, जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो उसका आंसर देगा, और सब आप लोग जैसे आप लोग ChatGPT वगैरह यूज करते हैं वैसा ही इनका खुद का AI काम करेगा। और गाइस अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें Flipkart और Amazon वगैरह डाउनलोड करके शॉपिंग भी कर सकते हैं और पेमेंट भी डायरेक्ट वॉच से ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें सिम मिल जाती है, तो उससे आप लोग सब इंटरनेट वाली चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें गूगल भी मिल जाता है, जिससे आप लोग क्रोम वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं और सब आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं इस वॉच की मदद से। तो काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो मेरे हाथ में वॉच है ये वही वॉच है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वॉच मैंने सिर्फ इसलिए पकड़ रखी है ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वही वॉच है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोगों को ऐसा लगे मैं एंडिंग में वॉच चला के दिखाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वॉच का फुल डिटेल रिव्यू मैं इस वॉच को मंगा कर करूं, तो फिर इस वीडियो पर कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो आने ही चाहिए, उसके बाद ही मैं ये वॉच परचेज करूंगा। और गाइस एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो गाइस आज से लेकर 15 मार्च तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है, नहीं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करनी है वरना फेल हो जाएंगे, तो नई वीडियोस कहां से आएंगी।
तो इसलिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने के लिए अब 15 तारीख तक कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है। 15 तारीख के बाद एक नई वीडियो आएगी और जिसमें मैं काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं कुछ गाड़ियों का भी रिव्यू दूंगा, कुछ एक से एक खतरनाक चीज़ों का रिव्यू होने वाला है 15 तारीख के बाद। तो आप लोग 15 तारीख तक हमसे जुड़े रहें और हमारी कम्युनिटी को और बड़ा करें, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस आऊँ तो फिर हमारे पास और भी ज़्यादा व्यूअर्स हो, हमारी फैमिली और बड़ी हो चुकी हो और नेक्स्ट वीडियो को सब लोग मिलकर एंजॉय करें।